The Lord of the Rings, The Rings of Power, A Shadow of the Past, Episode 1. कहानी शुरू होती है, दो भाई बहन दिखाए गए हैं। शैतान मोरगोथ एल्फ की उनके राज्य सेना पर हमला करती है। वो दोनों भाई बहन और कुछ सेना लेकर वेलनोर छोड़कर एक नई जगह जाते हैं जिसका नाम था मध्य धरती। उस जंग में मध्य धरती को उन शैतानों ने खत्म कर दिया। शैतान मोरगोथ की सेना दिन बढ़ा रही थी और ये सब एक जादूगर सावरुन नाम का बंदा कर रहा था। दो भाई बहन में से उसके भाई को सावरुन ने मार दिया और व्लादरवयोर्ड प्रण लेती है और निकल पड़े रहती है अपनी टुकड़ी के सावरुन खत्म करने के लिए। सालों बीत जाते हैं लेकिन सावरुन को कोई अता पता नहीं चलता। एक दिन वो एक पर्वत की चोटी पे जा रहे होते हैं। बहुत खतरनाक तूफान आता है और बर्फबारी होती है। पूरी टुकड़ी एक खंडर में जाती है। वहां खंडर में सावरुन ने जब ग्लादरोयोर्ड के भाई को मारा था तब वैसा ही निशान खंडर में मिलता है। ग्लादरोयोर्ड सारी टुकड़ी को यहाँ रोकने को कहती है लेकिन थोड़ी देर बाद एक अजीब सा प्राणी उन सारी टुकड़ी पर हमला करता है और ग्लादरोयोर्ड उसे मार देती है। लेकिन सारी टुकड़ी डर जाती है और कहती है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए लेकिन ग्लादरोयोर्ड को आगे जाना होता है। लेकिन सारी टुकड़ी सब हाथ खड्डाले कर देते हैं और वो वहां से निकल जाने को कहते हैं। ग्लादरोयोर्ड अकेली आगे बढ़ती है। अगले सीन में रोवानियन दिखाया गया है। वहां अजीब पंखों वाले लोग दिखाए गए जो शिकार के लिए निकले हैं लेकिन वहां छुपे कुछ लोग दिखाए जो कि पूरी टोली होती है। उस टोली में एक नोरी दिखाई गई है। फिर और सीने दिखाया गया। ग्लादरोयोर्ड वापस जाती है और एलरोन से मिलती है। ग्लादरोयोर्ड को राजा सम्मानित करता है और सारी टुकड़ी को वेलनोर भेजता है। ग्लादरोयोर्ड को सावरुन मारने की चाह मिटती नहीं। वो साउथलैंड में एरोधियन और मेंड्रोन दो सैनिक दिखाए गए हैं और उन्हें पता चलता है कि जंग खत्म हुई और सारी सैनिक चौकियां खाली की जा रही हैं, जिसमें एरोधियन को घर जाना होता है और वो प्यार करता है उस। लेकिन एक आदमी उसकी गाय को लेकर उस लद्दाकी के पास आता है और कहता है कि ये बीमार हो गई है। तभी वो लड़की देखती है लेकिन जब एरोधियन उस गाय का दूध निकलता है वो काला निकल रहा होता है। उसी समय उस आदमी को पूंछ के गाय जहां चारा चराने गई थी उस तरफ निकल पड़ी आता है। धकी भी एरोधियन के साथ जाती है। दूसरी तरफ उस धकी का बेटे के पास उसके बाप के तोहफा होता है जिसमें आधी कटी हुई तलवार पे ग्लादरोयोर्ड के भाई मारने पर जो निशान था वैसा ही निशान होता है। एड्रिफ और वो ले धाकी एक जले हुए बस्ती तक पहुंचते हैं। दूसरी तरफ ग्लादरोयोर्ड वेलनोर पहुंचने वाली होती है। तभी एक चमकदार रोशनी नाव पर पुलटीती है लेकिन ग्लादरोयोर्ड पानी में कूद जाती है। ये रोशनी सभी लोग आसमान में देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ ग्लादरोयोर्ड के राजा को संकेत मिलते हैं कुछ बुरा होने वाला है। वहां जंगल में छुपी हुई बस्ती का सारा सामान जलकर खाक हो जाता है जिसमें से नोरी को एक आसमान से गिरा एक सितारा देखती है कि उस आग के बीच में एक आदमी पड़ा हुआ है।